डरीवेशन ऑफ द एग्रीट सप्लाई कर स्टूडेंट्स द एगरीट सप्लाई करोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द एगरीट अमाउंट ऑफ आउटपुट डेट फॉर्म सप्लाई वारिय रमशन ये है कि फॉर्म्स बिहेव डिफरेंटली इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन शॉर्ट रन में उनका बिहेवियर यह है कि दे आर विलिंग टू सप्लाई एनी अमाउंट ऑफ आउटपुट डेट इज डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस यानी शॉर्ट रन में वो प्राइस कोई भी प्राइस जो फिक्स होगी उन्होंने कर दी है वो उस पर जितनी भी डिमांड होगी वो उसको फुलफ़िल कर करती हैं और लॉन्ग रन में क्या है कि वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यानी जो उनका नॉर्मल और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रातर कहना चाहिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग उनका आउटपुट लेवल है वो उस पर काम करती हैं और तमाम प्राइसेस और वेजेस जो हैं वो एडजस्ट कर जाती हैं मार्केट्स क्लियर हो जाती हैं और पर्टिकुलरली लेबर मार्केट जो है वो क्लियर हो जाती है सो शॉर्ट टर्म में हमने कहा कि प्राइसेस फिक्स होती हैं और फॉर्म उस फिक्स प्राइस पर जो भी अमाउंट डिमांड की जाएगी उसको वो पूरी कर देंगे सो so, इसका नतीजा ये निकलेगा कि शॉर्ट टर्म में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होगा क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रही ना सो आउटपुट वट एवर इज़ रिमांडेड वो मीट हो रही है सो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई कर विल बी हॉरिजेंटल करव अभी हम इसको ड्रा करते हैं और इसी तरह लॉन्ग रन में मैंने आपको बताया कि लॉन्ग रन में फर्म्स का बिहेवियर क्या है कि लॉन्ग रन में हम रज्यूम करते हैं कि तमाम प्राइस तमाम वेजेज़ जो फ्लेक्सीबल हैं वो एडजस्ट कर जाती हैं तमाम मार्केट्स क्लियर हो जाती हैं लेबर मार्किट क्लियर हो जाती है लेबर मार्किट क्लियर होने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हो जाती है यानी डिमांड और सप्लाई जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन हो जाता है तो ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन होता है प्रोडक्शन फंक्शन फिर इसके 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 मुताबिक आउटपुट लेवल डिटर्मन हो जाता है वहाँ से सो लॉन्ग रन में क्या होगा लॉन्ग रन में फिर आउटपुट फिक्स हो गई है वट एवर इज़ द प्राइस लेवल उन्होंने एडजस्ट करना है आउटपुट में चेंज नहीं होना तो इसके नतीजे में क्या होगा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होगा वो फिक्स आउटपुट पर यानी उसका हॉरिजेंटल एक्सेस पर वो आ, एक फिक्स आउटपुट लेवल है उस पर एक वर्टिकल लाइन होगी और शॉर्ट टर्म में अभी आपको मैंने बताया कि वो एक हॉरिजेंटल लाइन होगी लेट्स ड्रा दिस इसको हम ड्रा करके देख लेते हैं हॉरिजेंटल एक्सेस पर आउटपुट ले रहे हैं वर्टिकल एक्सेस पर प्राइस लेवल ले रहे हैं सो दिस इज़ द शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई करो यानी शॉर्ट टर्म में ये जो भी प्राइस थी ये फ़िक्स हो गई है सो so, इस प्राइस पर वट एवर इज़ दट एवर इज़ द डिमांड ठीक है आउटपुट जितनी डिमांड हो रही है वो सारी की सारी फॉर्म्स पूरी करेंगे सो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई करव इस लाइक दिस हॉरिजेंटल लाइन और लॉन्ग रन में क्या होगा लॉन्ग रन में मैंने बताया कि ये आउटपुट लेवल फिक्स हो गया कैसे फिक्स हुआ है कि प्राइसिस एडजस्ट होगी तो मां मार्केट्स क्लियर होगी ठीक है लेबर मार्केट क्लियर होगी उसमें डिमांड और सप्लाई के बराबर होने से जो इम्प्लॉयमेंट लेवल डिटर्मन हुआ जिसको हम फुल इंप्लॉयमेंट लेवल कह रहे हैं ठीक है वो वहाँ फिक्स हो गया और उसको जब आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन में हमने पुट uh, किया तो वहाँ से आउटपुट फिक्स हो गई तो ये वो आउटपुट है अब जो भी प्राइस price, अब प्राइसिस ने एडजस्ट करना है आउटपुट ने चेंज नहीं होना लॉन्ग रन में सो दैट्स वाई लॉन्ग रन में आपके पास आउटपुट फिक्स रहती है वट एवर प्राइसिस चेंज हो रही हैं बट आउटपुट रिमेन्स एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई करो आपके पास ये वर्टिकल कर्व है और शॉर्ट एन हॉरिजेंटल लाइन है सो शॉर्ट अन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कब शिफ्ट करेगा वैन एवर फॉर्म्स चेंज देअर प्राइसेज इन द शॉर्ट अन राइट जब फॉर्म अपने प्राइसेज चेंज करेंगे शॉर्ट टन में तो वो शॉर्ट एन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर देगा फैक्टर्स लाइक इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स लीड फॉर्म्स टू इंक्रीज प्राइसेज शिफ्टिंग दस आर एस आर एस कर्व आप यानि अगर उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो उससे वो शॉर्ट टर्म में फिर अपने प्राइसेस को जब वो चेंज करेंगे तो ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा अगर उनमें कमी हो जाती है तो ये कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और एनी थिंग डैट इंक्रीज इज फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट डेट विल शिफ्ट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व ठीक है जो इंक्रीज करेगी उससे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व आपका राइट right वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और अगर वो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट डिक्रीज होगी तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्यों इंक्रीज़ कौन से फैक्टर्स हैं जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे हम इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लेबर फोर्स में इजाफा हो जाता है तो जाहिर है ये आपका लेबर सप्लाई कर को शिफ्ट कर देगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज़ कर देगा और फिर आउटपुट लेवल को इंक्रीज कर देगा प्रोडक्टिविटी में चेंज आ जाती है तो प्रोडक्टिविटी में चेंज आने के नतीजे में भी आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चेंज हो जाएगी उससे मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर बढ़ जाती है ठीक है और उससे लेबर डिमांड का शिफ्ट हो जाएगा और उससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल उससे बढ़ जाएगा और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का राइट पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आज हमने बरीफ सा एक ओवरव्यू किया कि जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर वो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर जो है ये कैसे डिटर्मन होते हैं और ये इनके ये शिफ्ट्स किन वजूहत की बिना पर होते हैं थैंक यू वेरी मच